जी वेव क्या होती है, हमने ये कहा कि वेव की दो टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं, फिर हमने ये कहा आपसे कि जी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स में एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है वेवलेंथ। पहले तो ये बताएं मेरी आवाज क्लियर आ रही है, थम्स अप करके काइंडली मुझे रिएक्ट कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, वेवलेंथ अपने नाम से आपको समझ आ रही है कि कोई लेंथ है, किसी चीज की लेंथ मेजर। लेकिन बेटा इसकी ना कुछ केसेस हैं, इसके पांच केस हैं और वो पांचों आपके सिलेबस का पार्ट है। पहला केस क्या है कि अगर आपके पास ट्रांसवर्स वेव दी जाए, ट्रांसवर्स वेव की शक्ल कैसी होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। अगर आपकी वेव ओरिजिन से स्टार्ट हो, ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा, जीरो जीरो। तीसरी एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फुल स्केल या टू स्केल। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने रूलर से वैल्यू निकालेंगे। तो अब आपके पास एक अदर डायग्राम गिवन है, ये पेपर में गिवन है आपको, और वो कहता है के जी फाइंड द वेवलेंथ। अब मुझे ये पता है कि यहां से एक वेव शुरू हुई है, यहां एक वेव खत्म हो गई है, अब यहां से जो दूसरी वेव शुरू होनी है जी, तो मेरे पास एक वेव की लेंथ कहां से कहां तक होगी, यहां से लेके इस जगह तक, ये मेरी एक वेव लेंथ होगी। ये किस केस में है, जब मेरे पास ट्रांसवर्स है, जब मेरे पास ओरिजिन है और जब मेरे पास फुल स्केल है। क्या ये बात समझ आती है जी, काइंडली थम्स अप करें सो दैट आई कैन प्रोसीड। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मेरे पास एक वेव है जो ट्रांसवर्स है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली शेप है उसकी, दूसरा मुझे ये बताया जाता है कि वो ओरिजिन से है, उसकी पहचान क्या है, प्लस साइन, और तीसरा मुझे ये बताया जाता है कि भाई वो फुल स्केल है, टू स्केल है, यानी कि मैं रूलर यूज कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आती है बेटा, तो मैंने क्या करा, एक वेव के स्टार्ट से लेके एंड तक की लेंथ ले ली, दिस विल बी माय वेव लेंथ। क्या ये बात समझ में आती है, काइंडली थम्स अप रिएक्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम केस टू की बात करें, तो केस टू कुछ इस तरह का है। अगर मैं ये कहूं कि ट्रांसवर्स है, कैसे पता चला जी ट्रांसवर्स, पॉजिटिव नेगेटिव वाली शेप है, मैं कहता हूं फुल स्केल है, फुल स्केल का मतलब क्या होता है, रूलर यूज करेंगे आप, लेकिन यहां ओरिजिन नहीं है, कैसे पता लगा ओरिजिन नहीं है, ये प्लस साइन नहीं है, वेव कहीं मिड से स्टार्ट हो गया आगे चली गई। अगर आप गौर से इंतजार दो डायग्राम के दरमियान का डिफरेंस देखो, आपको समझ आ जाएगा कि ये प्लस साइन है, ये वाला प्लस साइन, और यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये नहीं पता
कि ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये मिड है। क्या है ये? तो अब इस सिनेरियो में हमारे पास क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ट्रांसवर्स में पॉजिटिव पार्ट को कहा जाता है क्रेस्ट और नेगेटिव पार्ट को कहा जाता है ट्रफ। तो अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये स्टार्ट है, ये क्वार्टर है, या मिड है, या वन फोर्थ है, या एंडिंग की वेव है, क्या है? तो मैं क्या करूंगा, गौर से सुनिएगा। मैं दो कंजेकेटिव क्रेस्ट के दरमियान की लेंथ ले लूं या दो कंजेकेटिव ट्रफ के दरमियान की लेंथ ले लूं, आंसर सेम आएगा ओ लेवल्स में। दोबारा सुन ले। अब मुझे पता है ना ओरिजिन नहीं है, नजर आ रहा है, प्लस साइन नहीं है, जीरो जीरो मार्क नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं दो कंजेकेटिव क्रेस्ट के दरमियान की लेंथ ले लूं या दो कंजेकेटिव ट्रफ, इसको कहा जाएगा वेवलेंथ। जिन जिनको ये समझ में नहीं आया वो थम्स डाउन करेंगे, जिनको समझ आ गया वो थम्स अप करें, रिएक्ट करें जल्दी से ताकि मैं आगे बढ़ूं। कोई टेंशन नहीं है, नहीं समझ आ रहा आप बोलें, मैं रिपीट कर दूंगा। बाकियों का इंतजार कर रहा हूं मैं। जयान साहब सिर्फ थम्स अप या थम्स डाउन? सही है सामिन। रोमैसा एंड लाइबा, आले जहरा को नहीं समझ आया। आले जहरा देखो बेटा, दोबारा सुनो। देखो एक डायग्राम की शेप ये है, अब ये जो प्लस साइन है मैं इससे पेन से बना देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। अब देखो ये ओरिजिन है, तो तुमने क्या किया था बेटा, तुमने एक वेव की लेंथ ले ली थी, दिस वाज योर वेव लेंथ, ऐसे ही किया ना आपने केस वन में। क्यों क्यों किया? बिकॉज यू आर गिवन द ओरिजिन पॉइंट, में स्टार्टिंग पोजिशन गिवन थी। लेकिन यहां क्या है, मुझे नहीं पता कि इसकी स्टार्टिंग कहां से एंडिंग कहां पर है। तो अब मैं यहां स्टक अप हूं, मुझे नहीं पता ना स्टार्ट कहां पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो क्रेस्ट के दरमियान की लेंथ ले लूं या दो ट्रफ के दरमियान की लेंथ ले लूं, दैट्स माय कॉल। तो वो आंसर जो होगा वो भी वही वेवलेंथ ही कहलाएगा। क्या अब समझ में आती है जामिन एंड आले जहरा? जामिन भाई आगे बढ़ते हैं। ये था जी केस टू। अब है आपके पास केस नंबर थ्री, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव की निशानी क्या होती थी, मैंने बताया था कि इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। आपके सामने अब इश्यू ये है कि मुझे स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन नहीं पता, मुझे ये पता है लॉन्गिट्यूडनल है। कैसे पता लगा? इस शेप से, क्योंकि भाई ट्रांसवर्स की शेप तो ये थी ना, तो इसका मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल हुई। दूसरा, ये फुल स्केल है, ये नीचे कहीं लिखा हुआ था। तीसरा, मुझे ये पता है ओरिजिन से नहीं है, ज्यादातर ये ओरिजिन से नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की पूरी लेंथ ले लो स्केल से, जो भी आंसर आ रहा है कोई टेंशन नहीं। और अब आपने क्या करा, नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करना शुरू की। नंबर ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता था कि भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता था तो ये एक वेव होती थी, यहां एक रेयरफैक्शन और एक कंप्रेशन मिलेगा तो एक वेव होगी। तो यू आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेव्स के इस टोटल लेंथ में कितनी वेव्स आ रही हैं। तो मैंने कहा ये एक वेव हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी, और ये 0.5।
अब आप लोग मैथ्स माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ा है, आता है आपको कि लेट सपोज अगर 20 सेंटीमीटर में 4.5 वेव्स बनी है तो एक वेव कितने सेंटीमीटर में बनी होगी? क्या ये बात समझ में आती है? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आले जहरा, दोसानी साहब, परवा, इफ्रा, मरियम, रोमैसन, लाहबा, जामिन, जायान। अच्छा जी, अगर आपको ये रेशियो मेथड याद नहीं होता, एक सेकेंड, अच्छा जी, अब आते हैं अपनी अगले पॉइंट पे। मैंने क्या कहा था कि भाई आपने टोटल लेंथ लेके नंबर ऑफ वेव्स से रेशियो मेथड के थ्रू निकाल लिया। पहले केस 5 करते हैं, फिर केस 4 पे आते हैं। केस 5 देखें, अभी तक केस 1 किया, वहां लिखा था फुल स्केल। केस 2 किया, वहां लिखा था फुल स्केल। केस 3 किया, वहां लिखा था फुल स्केल। मैं चाहे, आप चाहे, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है फुल स्केल। केस 3, केस 2 ये लिखा है फुल स्केल, केस 1 ये लिखा है फुल स्केल। लेकिन अगर फुल स्केल ही ना हो, यानी आपको अलाउ ही नहीं किया जाए कि आप रूलर यूज करें, लेकिन आपसे मांगा जाए कि वेवलेंथ निकाल के दें, तो जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो ये है। इसमें वी स्पीड है, एफ फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा वेवलेंथ है। क्या ये बात समझ में आती है? यानी आपको स्पीड भी गिवन होगी, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, आपसे कहेगा वेवलेंथ निकाल लो। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन नहीं लें। अब आते हैं जी केस 4 पे। देखें, एक जो वेव है, जो ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, इसमें एक पूरी वेव ट्रांसपोर्ट हो रही है, प्रोपगेट हो रही है, और मल्टीपल कॉपीज हो रही है उसकी। तो हमने अपनी आसानी के लिए जहां जहां क्रेस्ट था वहां वहां हमने एक वर्टिकल लाइन बना दी। ये हमने बनाई, ये इमेजिनरी है, वेव पे नहीं होती। आप वेव पे ढूंढना शुरू कर दें। लेकिन अगर ये वेव आपको नजर आ रही है, तो ये वेव ऐसे जा रही है और इसकी मल्टीपल कॉपीज हैं, कोई 1 2 3 4 5 6 7 कॉपीज जा रही है, 7 वेव्स आगे बढ़ रही हैं। तो अगर मैं यहां पर जहां जहां इनका क्रेस्ट आ रहा है वहां वर्टिकल लाइन बना दूं, तो मुझे इस पूरी डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वर्टिकल लाइंस बता देंगी कि ये एक वेव आगे बढ़ रही है, और जिस चीज से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसका नाम है जी वेव फ्रंट। क्या ये बात समझ आती है? थम्स अप करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। हाँ
हंसला एंड इफ्रा, ओनली यू टू आर लेफ्ट. हंसला एंड इफ्रा. जी इफ्रा, डन, थम्स अप करना है बहन. ये जो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, ये आपको याद करनी है, और इसमें आप एक वर्ड का चेंज नहीं कर सकते. दिस इज नॉट योर एक्सप्लेनेशन, इट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर एज पर द बुक. अब हमारा केस 4 कौन सा है? वेव फ्रंट केस. वो क्या कह रहा है कि अगर आपको वेव फ्रंट्स गिवन हो, तो किसी भी दो वेव फ्रंट के दरमियान की लेंथ को भी वेव लेंथ कहा जाता है. क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है जी? एक मिनट रुकें. एक मिनट रुकिएगा, हाथ के हाथ क्वेश्चंस कर लेना यार. लड़कों तुम लोग नहीं कर रहे हो ना ग्रुप में ऐड? अच्छा हाँ, मैं आपके ग्रुप पे केस 4 एंड 5 रिपीट कर दें. एक मिनट बेटा, कर रहा हूं. एक मिनट दे दें, मैं जरा डॉक्यूमेंट खोल लूं. अच्छा, जब तक ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है जो मुझे कराना है, मैं केस 4 और 5 रिपीट कर देता हूँ. देखें, केस 4 क्या है कि आपके पास ये वेव जा रही है और इसकी मल्टीपल कॉपीज हैं, तो हर वेव की ये जो क्रेस्ट था और ये ट्रफ है, अगर आप गौर से देखें, ऐसे मार्क करो, तो ये क्रेस्ट हुआ, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट हुआ, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट हुआ, ट्रफ. तो जहां जहां क्रेस्ट है उसने वहां वर्टिकल लाइन बना के आपको ये शो कर दिया कि ये एक वेव प्रोपगेट हो रही है. क्या अब क्लियर है? ये जिसका भी मेरे पास व्हाट्सएप गर्ल्स ग्रुप में मैसेज आया था. और केस 5 ये है कि बेटा, अगर फुल स्केल हो ही नहीं जहां पे आपको रूलर यूज करने की इजाजत है, वहां क्या करेंगे आप? वहां का तरीकेकार ये है कि वहां ये फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ. क्या यहां तक ये बात समझ में आती है आपको? अब आते हैं जी आगे. ये है जी प्रोसेसेस ऑफ वेव्स. चार तरह के प्रोसेस हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस आप ए लेवल में पढ़ेंगे, अभी नहीं. अभी ना आपकी सेहत ऐसी है, ना आपकी दिमागी हालत ऐसी है कि आपको पढ़ाया जाए. छोटे हैं अभी आप. रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक वेव किसी चीज से टकराए और वापस आ जाए, बाउंस्ड बैक. दो तरह की रिफ्लेक्शन है, रेगुलर और इरेगुलर. आपने ये पढ़ा हुआ, इसको जरा रीड करें जल्दी से, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है. मैं जरा फाइल डाउनलोड कर लूं.
अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो मुझे बताएं। आ जाए जी, आगे बढ़े। आई होप यहां तक क्लियर है। थम्स अप करें सो दैट आई कैन प्रोसीड। अच्छा जी, जरा जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। अच्छा छोड़ दो। पहला सवाल है आपके पास, द डायग्राम शोज टू वेव फॉर्म्स, व्हिच डायग्राम शोज द वेव लेंथ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अच्छा भाई, लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी होती थी जिसमें क्या होता था, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो सी और डी तो कैंसिल होगा स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये कौन सी है, ये है ट्रांसवर्स, है ना भाई, ऐसा ही है। तो आपसे क्या कह रहा है वो कौन सी वेव फॉर्म है, कौन सा ऑप्शन है जो के लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेवलेंथ शो कर रहा है। तो बी नहीं हो सकता, द राइट आंसर इज ए। क्या ये बात समझ में आती है? यस और नो? अहमद, अलिशबा, दोसानी साहब, दुआ, परवा, हंजला, इफ्रा, मरियम, मयूरी, रोमैसा, शजिया, जामिन, डोसानी साहब, दोबारा सुने, रोमेश एंड लाइबा, दोबारा सुने। वो कह रहा है दो वेव फॉर्म्स दी गई हैं आपको। वो कह रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेवलेंथ की लॉन्गिट्यूडल वेव की वेवलेंथ है। अब आपको पता है ट्रांसवर्स की शेप ये होती है पॉजिटिव नेगेटिव, और आपसे वेवलेंथ मांगी गई है लॉन्गिट्यूडिनल की। तो आपके पास ना ऑप्शन सी सही है ना ऑप्शन डी सही है। क्या अब ये बात समझ में आती है? अब दूसरी बात, वेवलेंथ होती है कंप्रेशन टू कंप्रेशन, तो बी भी गलत हो गया, बी पता नहीं क्या चीज है। तो आपके पास क्या आया, आंसर ए सही हुआ। क्या ये बात समझ में आती है? मुझे तमाम 13 स्टूडेंट्स का थम्स अप चाहिए। ये दो तो मेरी आइडिया है। अच्छा हाँ, डन जी, आगे बढ़े। अब वो क्या कह रहा है कि अ साउंड वेव, एक साउंड वेव, साउंड वेव कौन सी होती थी, लॉन्गिट्यूडनल, पासेस थ्रू अ सब्सटेंस, जा रही है जी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन दिखा रहा है वो।
वो कह रहे हैं एक्स क्या है और ये कौन सी वेव होती है। अच्छा छोड़ दें, आपको पता है साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडिनल, वो वेव जिसे मीडियम की जरूरत हो। हमने अभी इस पे टिक टाक बहस की है, तो सी और डी तो ऑप्शन ही गलत है। दूसरा, आपको एक्स में क्या नजर आ रहा है, मॉलिक्यूल्स करीब हैं कि दूर हैं? सो द राइट आंसर वुड बी ए। क्या ये बात समझ में आती है जी? अब आ जाए जी इस सवाल पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स। वो कह रहा है अ वाइब्रेटर प्रोड्यूस 12 वेवलेंथ्स इन 10 सेकेंड्स, द स्पेसिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्रस्ट इज 60, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। समझ में आ रही है बात? वो कह रहा है 12 वेव्स आ रही हैं 10 सेकेंड में, तो एक वेव कितने सेकेंड में आ रही होगी बेटा? मैं चैट खोल रहा हूं, मुझे चैट पे आंसर्स बताएं। आंसर्स बताएं। अच्छा आप आना टाइम उनको पढ़ लेने दें, उनका आज स्टार्ट है, आधे से ज्यादा सो रहे हैं ये लोग सब पढ़े हुए। उठाने हाँ जी बताएं आंसर। अगर 12 वेव्स 10 आ रहा है बेटा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। शजिया मुझे वर्किंग पूरी वो करें, ग्रुप पर डालें इसकी पूरी वर्किंग। बताएं इसकी पूरी वर्किंग, व्हाट्सएप पे डालें। तुम लोग आगे क्यों भागते हो? मैंने तुम लोगों से टाइम पूछा है, तुम लोग पत्नी पूरा आंसर निकाल रहे हो। बेटा सिर्फ मुझे ये बता दो एक वेव का टाइम पीरियड कितना आ रहा है बहन, बस इतना बता दो। अहमद, अंजला, जामिन,
मैं आपसे कह रहा हूं 12 वेव्स आ रही हैं, 10 सेकंड में एक वेव का टाइम बता दो यार। पिछले 5 मिनट से यही बोले जा रहा हूं मैं, 1.2 सेकंड्स। ये आपका फॉर्मूला क्या था? वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपसे स्पीड मांगी गई है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 ओवर टाइम पीरियड, तो 1 ओवर 1.2 करें आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। आले सहरा बेटा फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? पॉइंट 833 हर्ट्स। अब वो कह रहा है द स्पेसिंग बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्रेस्ट इज 60 सेंटीमीटर। वो कह रहा है पहले क्रेस्ट और तीसरे क्रेस्ट के दरमियान 60 है, तो पहले और दूसरे के दरमियान कितना होना चाहिए? अच्छा नहीं करें, सवाल समझ में आ रहा है अहमद भाई? मयूरी, रोमैसा, शजिया बिल्कुल साइलेंट हो, बोलो भाई। थर्टी सेंटीमीटर। अब आप लगाएंगे वी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, 0.833 × 30। अब देखो सारे आंसर सेंटीमीटर में हैं, तो तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना कन्वर्ट करना पड़ता मयूरी। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है स्पीड का? वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर इज ए। कौन कह रहा था डी? बी क्यों आ रहा है बहन? यार तुम लोग असल कैलकुलेटर लेके आओ, सारे पागल बैठे हैं। लेके आओ, मैं खुद करूंगा। मयूरी तुमने 24 डायरेक्ट कैसे कर दिया? फरवा 0.99 को आपने राउंड अप कर दिया, तो 24.99 25 होगा ना? क्या ये बात समझ में आई है? हाँ, 25 बी आंसर है। गलत करवा रहे हो तुम लोग, मेरे पास क्या के बैठूंगा मैं। अब आते हैं जी आगे। अब अगला सवाल थ्योरी का, वो क्या कह रहा है? रोमैसा 2 मिनट रुकोगे? रोमैसा लाबा आखिर में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक माइक्रोवेव सिग्नल है जो ट्रांसमिट किया जा रहा है अर्थ से सैटेलाइट और फिर वापस आ रहा है। वो कह रहा है अ पल्स ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमीटर इज रिसीव बैक इन 0.24 सेकंड। यानी ये जमीन है, ये सेटेलाइट है, यहां से सिग्नल गया और 0.24 में वापस आ गया 0.24 सेकंड में। वो कह रहा है डिस्टेंस निकाल के दो अर्थ और सेटेलाइट का। आपको पता है कि वेव गई, एक डिस्टेंस ये होगा, एक डिस्टेंस ये होगा, और माइक्रोवेव जो होती है इसकी ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये है 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा? एक डिस्टेंस जाने का है, एक डिस्टेंस वापस आने का है, तो क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय D over 0.24 is equals to 3.0 exponent 8।
ये डी निकाल के दें मुझे, क्या समझ में आया या नहीं आया? दोबारा समझा दूं? बोले भाई, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कैन यू गाइस हियर मी? तो फिर जवाब दो ना भाई। क्या समझ में नहीं आया? दोबारा समझा दूं? यस नो, कोई जवाब तो दें भाई, दोबारा सुन लें। सब मिटा दें। वो आपसे क्या कह रहा है कि एक माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव चलती है स्पीड ऑफ लाइट पे, स्पीड ऑफ लाइट बच्चे को भी पता है, ये है। वो कह रही है कि भाई जमीन से सेटेलाइट और वेव सेटेलाइट तक गई और सेटेलाइट से वापस आ गई, टोटल टाइम कितना लगा? 0.24, ये लिखा हुआ है। वो कह रहा है जमीन से सेटेलाइट तक का डिस्टेंस निकाल लो। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहां कितना है? एक जाने का, एक वापस आने का, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डबल हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बना? स्पीड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है, 3.0 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डी ओवर 0.24। यहां से डी निकाल के आंसर दीजिए, क्या अब समझ में आता है या नहीं? थम्स अप करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, या आंसर टाइप करें? अलिश्बा आंसर दो बेटा। तुम लोगों के पास क्या कैलकुलेटर नहीं है? किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आती है बॉयज? अहमद, ये डोसानी साहब के नाम से कौन है? अहमद एंड जामिन, क्लियर है बेटा? आते हैं अगले, ये वाला मैं बाद में कराऊंगा पार्ट, पहले ये करते हैं। वो कह रहे हैं अल्टीट्यूडिनल लिप कंटेन्स अ कंप्रेशन, डिस्क्राइब वॉट इज मेंट बाय कंप्रेशन। अभी मैंने दिखाया भी कंप्रेशन की डायग्राम और मैंने बताई भी है, तो जरा जल्दी से डेफिनेशन यहां टाइप करें सब, ऑल 12 स्टूडेंट्स।
क्या ये नहीं होगा? यस मरियम, देखें चेक करें, यही है। और अब आउट ऑफ 10 अभी आज की क्लास कितनी समझ में आई है, ये रेट करिए जल्दी से।